हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में बीजीएमआई का जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला 3.2 अपडेट, उसका रिलीज डेट देखने वाले हैं और उसी के साथ साथ गेम के अंदर छोटा सा एक इवेंट आ चुका है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें इवेंट में क्लिक करेंगे और इधर आप देख पा रहे लॉग इन एंड नू इन, आपको इवेंट देखने को मिल रहा। तो ये इवेंट का टाइम पीरियड आप देख पा रहे हो 2 मई से लेके 11 मई तक ये इवेंट चलने वाला, जिसमें आपको डेली वैसे लॉग इन करना है। डे 1 में लॉग इन करने से आपको आरपी पॉइंट मिल जाएगा 10, उसके साथ साथ डे 2 में लॉग इन करो सप्लाई स्क्रैप 1 मिल जाएगा। डे 3 में लॉग इन करने से आपको 50 एजी करने से मिल जाएगा। डे 4 में लॉग इन करो क्लासिक स्क्रैप 1। डे 5 में लॉग इन करो 100 एजी करने से मिल जाएगा। तो एजी करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली 5 दिन लॉग इन करके ये रिवॉर्ड ले लेना। ये छोटा सा इवेंट आया था गाइस, अगर पता है कि हम लोग ऑलरेडी मई मंथ आ चुका है, ये मंथ में हम लोग का बीजीएमआई प्लस पबजी मंथ दोनों वर्जन में 3.2 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इस बार जो थीम मोड आएगा वो होने वाला मेका फ्यूजन मोड, इसका ऑलरेडी मैं एक गेम प्ले वीडियो डाल चुका हूँ, बट अभी इसमें काफी सारा अपडेट आ चुका है। इसका अपडेटेड वाला गेम प्ले मैं काफी जल्दी डाल दूंगा, जिसमें काफी सारे चीजों में इंप्रूव किया गया, बट अभी आप ये वाला मोड देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो किस तरह का मोड आने वाला 3.2 अपडेट में। तो चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 3.2 का जो अपडेट आने वाला है उसका रिलीज डेट क्या है। पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन का 3.2 का अपडेट का रिलीज डेट है 13 से लेकर 15 मई के अंदर आपको कभी भी देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी पबजी मोबाइल 2 ही दिन में अपडेट सबको दे देता है, मतलब 13 या 14 तारीख तक सबको मिल सकता है या मैक्सिमम 15 तारीख तक जा सकता है। वैसे जो मेका फ्यूजन जो मोड है ना, वो चीज कंफर्म हो चुका है कि 14 मई को आपको मेका फ्यूजन मोड पबजी का सब वर्जन में देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 2 दिन में अपडेट मिल जाए, पर 13 से अपडेट रोल आउट होगा तो 14 या 15 तक सबको मिल जाएगा। इवन विदाउट वीपीएन वाला भी सेटअप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वर्जन का पता चल गया। पबजी मोबाइल केआर का तो एक ही डेट दिया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पंचुअल होता है, जो डेट दिया जाता है उसी डेट और उसी एग्जैक्ट टाइमिंग में आपको iOS एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म में मिल जाता है पबजी मोबाइल केआर। तो 14 मई को हम लोग पबजी मोबाइल केआर का 3.2 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड करके खेल सकते हो iOS प्लस एंड्रॉइड। उसके बाद पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन जो आने वाला 13 मई को आने वाला, ये सबसे पहले ही आता है ये वर्जन में अपडेट, बट जो मोड है ना वो तीनों वर्जन में एक ही दिन आने वाला। भले ही आप अपडेट पहले भी कर लो 13 तारीख को, बट मोड आपको खेलने को मिलेगा 14 से, ठीक है। और अगर आप iOS यूजर हो पबजी मोबाइल ग्लोबल का, तो आपको 14 या 15 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जब हम लोग का विदाउट वीपीएन वाला सेटअप मिल जाएगा एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, आपके iOS पे भी अपडेट रोल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्लियर कर दिया कि ये जो तीनों पबजी का जो वर्जन है कब तक आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं बीजीएमआई का। गाइस, आपको पता है बीजीएमआई क्या होता है, डेट रिलीज डेट सब कुछ फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो लोग पोस्टपोन कर देता है। तो अगर कुछ पोस्टपोन उस पर ना हो, 3.2 अपडेट जैसा आ रहा है वैसे अगर आता है, तो आपको 23 या 24 मई को अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा बीजीएमआई के अंदर। और अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो बाद में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि बीजीएमआई का डेट कंफर्मेशन नहीं होता है, वो लास्ट मोमेंट में चेंज भी कर सकता है और इधर उधर भी कर सकता है। बट अभी करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अपडेट डेट है आप देख पा 23 या 24 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको 24 को ही देखने को मिलेगा। तो ये आपको रिलीज डेट देखने को मिली है 3.2 अपडेट का। तो 11 तारीख को पबजी मोबाइल यूजर आप लास्ट खेल सकते हो स्काई हाई स्पेक्टिकल मोड। और स्काई हाई स्पेक्टिकल मोड अगर आप खेल रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो स्काई हाई स्पेक्टिकल जो शॉप है ना, इवेंट शॉप से जितना भी कॉइन्स आप देख पा रहे हो आपके पास अवेलेबल है, सबको यूज़ कर देना, क्योंकि ये जो कॉइन है ना, ये नेक्स्ट वर्जन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट अगर आपके पास कोई क्रेट है जो डिसमेंटल अभी तक हुआ नहीं है, तो उसका दिक्कत नहीं है, वो हम लोग का नेक्स्ट वर्जन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब तक क्रेट बना हुआ उसको डिसमेंटल आप किए नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग का नेक्स्ट वर्जन में चल जाएगा। बट वो डिसमेंटल अगर हो गया है क्रेट और कॉइन कन्वर्ट हो चुका है, तो कॉइन सब वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे 510 कॉइन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप पबजी यूजर हो तो मैं 11 तारीख तक आप ये कॉइन को खत्म कर दो, क्योंकि पबजी मॉल के अंदर काफ़ी सारा और भी न्यू चीज़ ऐड हो चुका है। बीजीएमआई का तो शायद से बाद में ऐड हो सकता है। इधर आप देख पा रहे काफ़ी सारा टाइम लिमिटेड आइटम आपको देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ इमोट भी ऐड हो चुका है ये शॉप में। और इस तरह के जो शॉप है ना, ये आपको मेका फ्यूजन में भी देखने को मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे शॉप, ये हम लोग का ये जो स्काई हाई स्पेक्टिकल मोड है उससे कनेक्टेड है, बट नेक्स्ट जो आप लोग का शॉप आएगा वो मेका फ्यूजन थीम से कनेक्टेड होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया। तो डेफिनेटली पबजी यूजर 11 तारीख तक खत्म कर लेना। बीजीएमआई का मैं अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ, बीजीएमआई का मोस्ट प्रॉब्ली आपको 21 या 22 तारीख तक ये मोड खेलने का मौका मिलेगा। आगे जाकर और भी कंफर्मेशन कर दूंगा, बट 21 या 22 तारीख के अंदर आपका भी अगर एक्स्ट्रा कॉइन बचा हुआ, अगर आप बीजीएमआई यूजर हो, तो आप डेफिनेटली इसको खत्म कर देना। कुछ भी खरीद कर खत्म कर लो, चाहे ये सब खरीद लो, पहले तो परमानेंट चीज निकाल लो, उसके बाद अगर आप कॉइन बच जाता है तो ये सब जो टाइम लिमिटेड सब कुछ खरीद कर कॉइन को खाली कर दो, क्योंकि कॉइन जो है वो नेक्स्ट वर्जन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जस्ट जो क्रेट है, जो आपको इधर से क्रेट मिलता है ना, अगर आप इसको डिसमेंटल नहीं किए हो, केवल आप इसको रिडीम करके ऐसा रख दियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका नेक्स्ट वर्जन में चल जाएगा। बट जहां आप ये क्रेट को डिसमेंटल में लगा दिए,
तो आप समझ लेना कि वो हम लोग का जो डिसमेंटल वाला कॉइन है वो नहीं जाने वाला नेक्स्ट वर्जन में, ठीक है। आई होप आपको 3.2 का जो रिलीज डेट है वो चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो को इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।